हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी दोस्त गार्डनिंग विद जुबी से। आपके अपने चैनल में आपका वेलकम करती हूँ। देखिए, आपको वाइट वाइट से छोटे छोटे फूल नज़र आ रहे होंगे गेट के ऊपर। ये फ्रेंड्स, ये चमेली का प्लांट है, बेल कहिए इसे, चमेली की बेल है ये। और ये मैंने कटिंग से ग्रो की थी गाइस, छोटी सी कटिंग लगाई थी मैंने। इस चंपा का जो प्लांट आपको नज़र आ रहा है, ये चंपा के प्लांट के नीचे की साइड में मैंने ये कटिंग लगाई थी चमेली की। और देखिए गाइस, ये कुछ इसे एक साल हो चुका है इस बेल को, और देखिए ये कितनी प्यारी ग्रो हो रही है। और इसमें ये छोटे छोटे वाइट से आपको ये फूल नज़र आते होंगे, मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए, छोटे छोटे आपको वाइट फूल नज़र आ रहे हैं गाइस। इतने खूबसूरत फूल आते हैं इसके ऊपर, और इसकी खुशबू इतनी प्यारी होती है। जैसी शाम होती है तो इसकी खुशबू इतनी चलती है गाइस के पूरा ये गार्डन महक जाता है। तो देखिए गाइस, कितने खूबसूरत लगते हैं ये गेट के ऊपर। मैंने कुछ ये देखिए लोहे के रॉड से ये गोल आर्च बनाई हूँ गेट के ऊपर। इस तरह से गोल आर्च के ऊपर ये बेल को मैंने चढ़ाई हूँ, और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है इसके ऊपर। जैसे ही ये राउंड पूरी तरह ये गोल राउंड के ऊपर चमेली की बेल मेरी घूमेंगी, और ज़्यादा खूबसूरती इसमें बढ़ेंगी। और इसके साथ में देखिए, ये वाइट कलर का नागचंपा, ये भी मेरा छोटा सा प्लांट था गाइस। और इसे मैंने क्या करी हूँ कि एक टाइल्स निकाल के इसे ज़मीन में लगाई हूँ मैंने, और आप देख ही सकते इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है ज़मीन में होने की वजह से। और इसके ऊपर अभी फ्लावरिंग का सीज़न नहीं है गाइस, इसलिए थोड़े फ्लावर आपको नज़र आते हैं। ये पूरा सीजन प्लांट चलते हैं, सिर्फ अभी सर्दियों में इस फूलों में कमी आ जाती है। गर्मियों को और बारिश में तो इतने फूल रहते हैं कि पूरा ये प्लांट वाइट हो जाता है फूलों से। और इतने खूबसूरत फूल आते हैं गाइस इसके ऊपर कि ये एक बार आ गए तो जल्दी झड़ते नहीं है पौधे पे से फूल। और ये भी वाइट कलर के आपको ये चमेली के प्लांट नज़र आते हैं, चमेली की बेल में आपको नज़र आती है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है इसकी, आप अगर छोटी सी कटिंग लगा दें तो बहुत आसानी से लग जाती है। और ये साइड में सिंगोनियम का प्लांट मेरा, देखिए ये भी कितना खूबसूरत लग रहा है। ये गाइस मैं वीडियो ऊपर से बना रही हूँ, देखिए कि आपको ये पूरा नज़ारा दिखा सकूँ। तो इस तरह से आप भी अपने गेट के ऊपर इस तरह की बेल को लगा सकते हैं, सजा सकते हैं, देखिए। और गाइस, कुछ आपको ये भी बताना था, ये देखिए, ये मेरा हिबिस्कस का देसी गुड़हल कहिए इसे, ये मेरा कटिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट है गाइस। तो देखिए अब इसके रूट्स देखिए कितनी, ये छोटे से बकेट में लगा हुआ प्लांट है मेरा, और इसके रूट देखिए पूरी तरह से ये बकेट पूरे भर चुके हैं, पूरा भर चुका है गाइस ये रूट से। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसमें से निकाल कर दूसरी बड़ी बकेट है मेरे पास में, उसमें इस प्लांट को शिफ्ट कर दूँ और थोड़ी सी इसकी कटिंग भी कर लूँ, ताकि ये देखिए बहुत ही लंबी ब्रांचेस इसकी हो चुकी है गाइस, देखिए काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो जैसे मैं इसकी कटिंग करूँगी तो इसमें ज़्यादा देखिए ब्रांचेस ज़्यादा आएंगी और फूलों की तादाद भी बढ़ेंगी। तो देखिए गाइस, इसमें से निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ इसकी रूट्स कैसी हो गई है। देखिए गाइस, इस बकेट में से मैंने ये प्लांट को निकाल ली हूँ, और इसके आप रूट्स देख सकते हैं कितनी देखिए बढ़ चुकी है ये रूट्स इसकी, पूरी तरह से ये ऊपर आ गई है। तो इसे ज़रूरी था गाइस दूसरे बड़े पॉट में शिफ्ट करना। और इस बकेट में देखिए मैं इस बकेट में ये बड़ी वाली बकेट में इसे लगाने वाली हूँ। और ये देखिए इसकी मिट्टी मैंने तैयार कर ली है गाइस। अब इसी मिट्टी में मैं ये इस प्लांट को लगा दूंगी गाइस, तो दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस, अब ये बड़ी बकेट में मैं ये प्लांट को लगा चुकी हूँ, आपको दिख ही रही होंगी बड़ी बकेट। और इसकी जो देखिए इसकी लंबी ब्रांचेस हो चुकी है गाइस, अब इसे मैं कट कर देती हूँ ताकि इसमें और ब्रांचेस जल्दी आ सके और फूलों की तादाद बढ़ सके। देखिए मैं यहाँ से इसकी ब्रांचेस काट देती हूँ।
देखिए इतनी बड़ी बड़ी ब्रांचेस होने की वजह से क्या है कि पौधे को सही शेप नहीं मिलती गाइस। इसे हमें सही शेप में रखना है ताकि ये दिखने में भी खूबसूरत लगे। और देखिए यहाँ से दूर से आपको दिखाती हूँ, इस तरह से अभी ये प्लांट नज़र आता है। काफ़ी बड़ी बड़ी इसके ब्रांचेस हो गई थी गाड़ी गाइस, तो इस तरह से मैं काट देती हूँ। अब क्या होगा कि ये कटिंग से फ़ायदा ये होगा गाइस कि इसके ऊपर अब ज़्यादा ब्रांचेस आएंगी। ये जितनी भी मैंने कटाई छटाई की है अब इसके ऊपर ब्रांचेस ज़्यादा आएंगी और ये ज़्यादा घना हो जाएगा गाइस ये पौधा, और ख़ूबसूरत भी लगेगा। आप देखिए इसकी शेप कितनी अच्छी लग रही है इस तरह से। तो गाइस इसी तरह से हम भी हमारे पौधे पे ख्याल रखें कि अगर उनकी रूट्स बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है तो बड़े गमले में उसे शिफ्ट कर दे। मेरे पास ये बकेट थी गाइस, तो मैंने इस बकेट में ये पौधे को शिफ्ट कर दी हूँ क्योंकि इतना बड़ा गमला मेरे पास में अभी मौजूद नहीं था। तो अब देखिए गाइस थोड़े दिनों के बाद में इसकी ग्रोथ आपको ज़रूर दिखाऊँगी कैसी हो रही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, बाय।